हेलो नमस्कार वेलकम, सभी का स्वागत है आपके हमारे वेकेंसी एयर एजुकेशन में। तो दोस्तों कैसे हो आप, और उम्मीद करेंगे कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं एक और अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ और आप लोगों को, कई विद्यार्थियों को मिल चुकी होगी अपडेट, और जिन विद्यार्थियों को नहीं मिली तो आज पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें फिजिकल कैसे होने वाला है, इसमें एग्जाम के लिए कितने नंबर्स लाने हैं और फॉर्म कैसे भरना है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और भारत के स्टूडेंट हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आज 1380 पदों पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं के साथ आईटीआई के साथ अगर और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो भी आप लोग लगा सकते हैं। सबसे अच्छी खबर ये होगी कि आवेदन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। 6 जून से इसमें आवेदन होगा, 20 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो मैं पूरी अपडेट दूंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, स्क्रीन पे लेके चलूंगा, वहां से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस अपडेट को। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको पता है कि इसमें किस तरीके से सिलेक्शन मिलेगा, तो आपको बता दें कि पहले इसका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न वगैरह होगा, यानी कि आर्मी की रैली वैसा ही इसका सीन होगा। तो यहाँ पे अपन बात करें विज्ञापन, या फिर मैं किसी संस्था की बात करूँ जिसके जरिए मुझे विज्ञापन प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे इसमें डिटेल्स दे रखी है फिजिकल्स के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं एक एक पॉइंट के बारे में क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे देखें अपन, सबसे पहले मैं मोस्टली बात करूँ तो ये 13 अप्रैल से नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ये अब आवेदन 6 जून से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये 20 जुलाई तक आवेदन होगा, करीबन रात को 11 बजे तक। इसी दौरान अपन बात करें, नोटिफिकेशन की जानकारी अप्रैल मार्च में ही मिल चुकी थी, तो उसके बाद फिर से इसे रिन्यू किया गया है और इसमें 1380 पदों पर आवेदन शुरू किया गया है। इसमें स्पोर्ट या फिर रेगुलर बेस पे असम राइफल मैट्रिक के अनुसार भी इसमें नौकरी दी गई है। पिछली बार से पदों की संख्या ज़्यादा कर दी गई है, पिछली बार 408 पोस्टें थी लेकिन इस बार पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसमें और चीज़ों की बात की जाए, जैसे कि फिजिकल स्टैंड, आपका फिजिकल किस तरीके से होगा इसकी बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा मेल्स एंड फीमेल्स दोनों का यहाँ पे विवरण दे रखा है। यहाँ पे बात करें 170 सेंटीमीटर मेल्स की और चेस्ट होना जरूरी है, और SC ST OBC NCL की बात करें, जैसे कि मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट फिलिंग, जिसमें आएंगे कौन से राज्य, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल, ऐसे कई राज्य के स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे पर्सनली रिजर्वेशन की सुविधा मिलेगी। मिनिमम हाइट ये होनी चाहिए 162.5 के आसपास, SC ST कैटेगरी को यहाँ पे ये सुविधा मिलेगी। फीमेल्स की काउंट की जाए तो फीमेल्स के लिए चेस का कोई अनिवार्य नहीं होगा। यहाँ पे बात करें फीमेल्स के लिए और इसके मेल्स के लिए, तो हाइट की 170.0-175 के आसपास हाइट होना जरूरी है मेल की बात करें 170, और जबकि फीमेल्स की बात करें 155 नॉर्मल 80 या फिर इसका ये चेस्ट भी बद दिया गया है मेल्स के लिए। तो ये थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान में रखें। सीधी बात की जाए तो 170 से 155 तक हाइट होना जरूरी है, 80 से 85 तक चेस्ट होना जरूरी है मेल्स की। इसमें जो अब बात करें करेंटली आप लोगों को किस तरीके से ये सिलेक्शन होगा, किस तरीके से कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन, आपको बता दें कि यहाँ पे हर एक पोस्ट का अलग अलग सिलेक्शन, हाइट, फिजिकल्स ये होने वाला है, तो ये भी आप लोग क्लियर कर लें, क्योंकि जैसे कि पोस्ट बदलेगी वैसे ही आपका हाइट चेस्ट बदलेगा, तो ये भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें रनिंग की बात करें, चेस्ट हाइट हो चुकी है, वेट हो चुका है, PET विल यानी कि फिजिकल टेस्ट की बात करें, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि ऑल इंडियन जो होगा इसमें लगा सकते हैं फॉर्म, और इसमें सबसे अच्छी बात होगी मेल्स के लिए रनिंग 5 किलोमीटर रन और क्वालिफाई विद 25 मिनट्स, यानी कि आपको बता दें कि 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करनी होगी। फीमेल्स की बात करें 1600 मीटर की दूरी 8 मिनट में तय करनी होगी, तो यानी कि 1600 मीटर की
दूरी महिला उसके लिए। अब इसी दौरान बात करें जो मेल कैंडिडेट हैं जो लद्दाखी रेंज में आते हैं, लद्दाखी रेंज में उनको यहाँ पे 1600 रनिंग की क्वालिफिकेशन के अनुसार 6 मिनट में दूरी तय करनी होगी, जबकि 800 मीटर की दूरी 4 मिनट में तय करनी होगी महिलाओं को। इसमें टेस्ट की बात की जाए, फिजिकल होने के बाद आपका जो टेस्ट होगा उसमें 100 नंबर का पेपर होगा, यानी कि 100 मार्क्स का होगा। 33% 35% इन कैटेगरीज को लाना होगा, जैसे कि जनरल ओबीसी को 35%, जबकि एससी एसटी ओबीसी एनसीएल को यहाँ पे 33% पासिंग नंबर लाना होगा। पॉइंट ये भी क्लियर हो चुका है। अब इसमें बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 10वीं 12वीं के साथ आईटीआई होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप खुद स्वयं फॉर्म भरने की कोशिश करें। तो ये देखिएगा, यहाँ पर रिलेटिव फॉर्म की बात करें तो ये देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। अगर आपने अभी तक भी इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाएँ और अभी इसके ऑफिशियल साइट पर विज़िट करें और वहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसकी साइट का लिंक मैं दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे या फिर आप हमारे इंस्टा पेज पे आएंगे तो मैं इसकी साइट का लिंक देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो काफी हद तक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर जिन विद्यार्थियों के समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और 1380 पदों पर 18 से 28 वर्ष तक का रिजर्वेशन की सुविधा इसमें एससी एसटी कैटेगरी को मिलेगी। टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए आईटीआई और डिप्लोमा या फिर 12वीं 10वीं मैथमेटिक के साथ पास आउट है। तो आज आप देख सकते हैं असम राइफल की भर्ती। तो चलिए आज के लिए इतना ही, न्यू वैकेंसी के साथ फिर एक नए वीडियो की शुरुआत करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।